कह रहे हैं दोस्तों, ये हमारे पास एक ATX पावर सप्लाई है। ये कंप्यूटर की ATX पावर सप्लाई कहलाती है। ये इसकी इनपुट 220 वोल्ट है और ये यहाँ से मॉनिटर को जाता है। ये पुराने स्टाइल में ये होता था कि यहाँ से मॉनिटर को केबल लगी होती थी और यहाँ जो है तो 220 वोल्ट की केबल लगा दी जाती है। अंदर से ये पैरेलल कनेक्शन है और ये इसका वोल्टेज सेलेक्टर है 110 वोल्ट या 230 वोल्ट, चूँकि हम 230 वोल्ट की सप्लाई यूज़ करते हैं यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद इसकी आउटपुट बेशुमार हैं। ये छोटे वोल्टेज के आउटपुट हैं इसकी सब। ये जो है ये डिवाइसेस को लगती हैं, जैसे कि हार्ड ड्राइव या जो है तो सीडी ड्राइव, इस टाइप की डिवाइसेस को ये लगती हैं। ये वाली चार हैं कार्बन इसमें, ठीक है जी। एक छोटी भी इसमें आती थी पहले ज़माने में, ये वाली कि जिसको फ्लॉपी ड्राइव के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आजकल नापैद है, फ्लॉपी ड्राइव कोई नहीं लगाता। और ये कुछ बोर्ड्स में इस्तेमाल होती है, सब में नहीं इस्तेमाल होती। अच्छा, उसके बाद ये जो है ये पेंटियम 4 का स्पेशल डिज़ाइन है। ये वाली चार तार की केबल, ये कोर वोल्टेज के लिए जाती थी। कोर पावर यहाँ से प्रोवाइड की जाती थी हार्ड जो प्रोसेसर था उसको। तो इसके तारों के जो रंग हैं ये मखसूस हैं। अच्छा, इसके बाद मेन बोर्ड को सप्लाई यहाँ से जाती थी उसके मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए। इसमें बहुत सारी तारें हैं, जैसे कि देख रहे हैं ये 20 पिन का कनेक्शन होता है, कुछ में ये 24 का भी होता है। एक्स्ट्रा एक साथ दिया होता है, 24 पिन की होती है, कुछ में 20 पिन की होती है, जैसे कि ये स्टैंडर्ड 20 पिन का है। अच्छा, इसमें क्या होता था कि इसमें इसकी जो आउटपुट है वो मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा। जब इस सप्लाई को पावर देते हैं तो उस वक्त इसमें कुछ भी नहीं आता आउटपुट में। यहाँ पर यहाँ हमें सप्लाई, अच्छा ये वाला कनेक्टर से स्टार्ट करते हैं। इसमें ये पहले वाली जो तार है ये रेड वाली, ये 5 वोल्ट है, जमा 5 वोल्ट सप्लाई। दरमियान वाली दो जो हैं वो ग्राउंड है, माइनस की सप्लाई है, नेगेटिव है इसी के लिए, ठीक है जी। दोनों आपस में मिली होती हैं अंदर से। अच्छा, ये इसी के लिए नेगेटिव है। और ये जो साइड वाली येलो आपको नज़र आ रही है, पीले जर्द कलर जर्द रंग की, ये जो है ये 12 वोल्ट की सप्लाई है, जमा 12 वोल्ट की सप्लाई है। और ये इसका ग्राउंड है और ये 5 वोल्ट की, ये इसका ग्राउंड है, ठीक है जी। इस तरीके से इसमें मेन जो सप्लाइयाँ हैं वो ये दो हैं, 5 वोल्ट और 12 वोल्ट। इस पर हैवी करंट होता है और ये इसकी मेन सप्लाई है। उसके बाद फिर अगली सप्लाई आती है, ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये पिंक तारे, जो पीली तारे हैं या कह लो के ऑरेंज कलर की, ये 3.3 वोल्ट की सप्लाइयाँ हैं। अच्छा, इसके बाद फिर मुख्तलिफ इसमें सिग्नल्स हैं, ये ग्राउंड है। अच्छा, यहाँ पर भी ये 5 वोल्ट की सप्लाई मौजूद है। इसके बाद यहाँ पे ये येलो 12 वोल्ट की सप्लाई मौजूद है। कुछ हेल्दी सिग्नल हैं, पावर ओके, पावर गुड। और ये येलो, ये ग्रीन तार है ये वाली, ये अहम है। ये 5 वोल्ट इसके ऊपर होते हैं जब सप्लाई को पावर से लगाया जाता है। इसको जब ग्राउंड कर दिया जाता है, ग्राउंड से मिलाया जाता है जंपर दे के, या मदरबोर्ड इसको ग्राउंड से मिलाता है, तो तब ये इन तारों पर सप्लाइयाँ आ जाती हैं। तो इसका ये तरीक़ाकार होता है। और इस पर बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के, और दूसरे इसमें कुछ ऐसी भी सप्लाइयाँ हैं कि जो नेगेटिव सप्लाइयाँ हैं, नेगेटिव 3.3, नेगेटिव 12, नेगेटिव 5, इस तरह की सप्लाइयाँ भी इसमें चलती हैं, वो भी हम इनको चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये पूरी तारें इसमें से निकलती हैं। इसका मैं थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन आपको दे दूँ। यहाँ पे एक पंखा लगा हुआ है, फ़ैन जो कि 12 वोल्ट का है। जब 12 वोल्ट सप्लाई आती है, सप्लाई ऑन हो जाती है, उस वक्त ये चलता है और ये अपनी हीट को बाहर निकालता है। अच्छा, इसके अंदर का थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ। अंदर इसको खोलने के लिए 4 स्क्रू दिए हुए हैं, ठीक है जी। इनको खोलते हैं जो टॉप कवर के ऊपर हैं, इससे ये टॉप कवर अलग हो जाएगा। अक्सर लोग इन सप्लाइयों को नहीं समझते, जब ये ख़राब हो जाती हैं तो वो इसको फेंक देते हैं, क्योंकि इनको रिपेयर करने का तरीका उनको नहीं आता। इलेक्ट्रॉनिक्स की समझ ना होने की वजह से वो रिपेयर नहीं कर पाते और पोर्टेबल यूनिट की तरह इसको निकाल के फेंक देते हैं और दूसरी लगा देते हैं। तो इसको कभी कभी कुछ बहुत सारी चांसेस में इसको रिपेयर किया जा सकता है। तो इनकी रिपेयर के बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा और सिखाऊँगा किस तरीके से करते हैं। अच्छा, इसके सेक्शन जो हैं, यहाँ से पावर इसकी आती है 220 वोल्ट। ये वाले आप दो देख रहे हैं, वाइट और ब्लैक डबल तारे हैं, ये गई हुई हैं बोर्ड के ऊपर, ये देखें। और इसी के साथ पैरेलल इसी दूसरे सॉकेट के ऊपर भी जुड़ी हुई हैं, ये नीचे वाला जो है ये, इसीलिए डबल दी हुई हैं। दो इसके ऊपर जाती हैं, दो बोर्ड पे जाती हैं ये वाली। अच्छा, बोर्ड पे फ्यूज़ लगा हुआ है। यहाँ पे अक्सर केसेस में फ्यूज़ ब्लोन हो जाता है, ये वाला फ्यूज़ है, फ्यूज़ मेल्ट हो जाता है तो दूसरा फ्यूज़ लगा दिया जाता है। ये फ्यूज़ सोल्डर्ड होता है बोर्ड के ऊपर, इसको सोल्डरिंग के ज़रिए अलग करके नया फ्यूज़ लगा देते हैं, प्राइमरी साइड पर होता है। अच्छा, उसके बाद फिर इसमें जो मेन चीज़ आती है वो ये ब्रिज रेक्टिफायर है, ये वाला। ये एसी पावर यहाँ पे दी जाती है और यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव सीधे सीधे जो लाइन है उसको, लाइन को डीसी बना दिया जाता है और इनके फिल्टर कैपेसिटर्स के ऊपर इनको स्मूथ कर दिया जाता है। फिर यहाँ पे इसका मेन जो चॉपर है वो ये है, ये छोटा चॉपर है,
ये छोटे चॉपर हैं दो, ठीक है जी। ये इस पर्पज़ के लिए होते हैं कि जो है तो 5 वोल्ट की सप्लाई जो ये ग्रीन तार के ऊपर, ये वाली ग्रीन तार जो आप देख रहे हैं, 5 वोल्ट की सप्लाई जो स्टैंड बाई बनती है, जो बोर्ड को ऑन पावर सप्लाई को ऑन करती है, जिसको ग्राउंड करने से पावर सप्लाई ऑन होती है, वो ये वाला ट्रांसफार्मर बना रहा होता है, ठीक है जी। अच्छा, और इसके बाद इसके जो स्विचिंग ट्रांजिस्टर हैं वो यहाँ पे हैं, ये इस हीट सिंक के नीचे ये देख रहे हैं, ये इसके स्विचिंग ट्रांजिस्टर हैं ये वाले, ठीक है जी। यहाँ आपको नज़र नहीं आएंगे, लेकिन बाहर मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश, इन कैपेसिटरों के पीछे की तरफ यहाँ पे वो स्विचिंग ट्रांजिस्टर इस हीट सिंक के ऊपर लगे हुए हैं, वो स्विचिंग करते हैं। अच्छा, यहाँ ये सप्लाई जब स्टैंड बाई का सिग्नल ज़ीरो को ग्राउंड हो जाता है, जब आप बोर्ड ऑन होता है, उस वक्त ये मेन जो चॉपर है ये ऑन हो जाता है। मेन चॉपर पर 12 वोल्ट की और 5 वोल्ट की वाइंडिंग्स होती हैं, जो कि 12 वोल्ट और 5 वोल्ट बनाती हैं, और यहाँ से फिर ये सप्लाइयाँ यहाँ आती हैं। ये ब्रिज रेक्टिफायर, ये डायोड हैं, डबल डायोड्स, ये वाला और ये वाले, और इसके अलावा ये मेरा ख्याल है ये भी डबल डायोड ही है, ठीक है जी। ये डायोड्स हैं, ये ट्रांजिस्टर की शक्ल के हैं लेकिन डायोड हैं, और ये हीट सिंक के ऊपर लगी हुई हैं, और इनका काम ये होता है कि जो डीसी वोल्टेज बनते हैं 5 वोल्ट और 12 वोल्ट, उनको ये आउट करते हैं, और इस चौक की मदद से इनको बाहर निकाल लिया जाता है, डीसी बना के इनको बाहर निकाल लिया जाता है। फिर ये जो कैपेसिटर आपको नज़र आ रहे हैं बहुत सारे, ठीक है जी, ये इसके नीचे हैं, मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। ये वाले कैपेसिटर्स जो बहुत सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये कैपेसिटर्स इनको स्मूथ करते हैं, वोल्टेज को 12 वोल्ट और 5 वोल्ट को, और इसके अलावा नेगेटिव वोल्टेज के लिए भी कुछ कैपेसिटर लगाए होते हैं, और इंडक्टर्स भी लगे हुए हैं, ये आप देख रहे हैं, ये इंडक्टर्स हैं और ये भी इंडक्टर्स हैं बड़े वाले। इनसे ये सप्लाइयाँ आउट होकर फिर इन वायर्स में भेजी जाती हैं, जो कि बोर्ड को और दूसरे फंक्शंस को चलाती हैं, ठीक है जी। अब मैं थोड़ा सा इनको इसको खोल के मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, स्विचिंग का आईसी जो है, जो स्विचिंग की जाती है, ये मेन स्विचिंग, इसका आईसी ये लगा हुआ है। ये मुख्तलिफ आईसी हैं, TL494 TL495, इस तरह के आईसी, और दूसरे आईसी भी इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, और हर कंपनी अपने हिसाब से आईसी लगाती है और अपने डिज़ाइन के मुताबिक वो बोर्ड बनाती है। तो मैं आपको इसका थोड़ा सा और भी बताता हूँ। इसको खोलने का तरीका ये है कि चार जो स्क्रू हैं इनको खोलें, जो यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर की मदद से फिलिप्स स्क्रूज हैं, इनको खोलिए तो ये बोर्ड इसमें से बाहर आ जाएगा। टोटल बाहर नहीं आएगा क्योंकि ये सॉकेट वगैरह के कनेक्शन इसमें लगे हुए हैं, टोटल भी हम बाहर कर सकते हैं अगर इनको खोल लिया जाए तो, लेकिन थोड़ा सा हम इतना है कि हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। ये देखें, ये बोर्ड तकरीबन इसमें से बाहर आ गया है, ठीक है जी, बाहर फैन के कनेक्शन और ये वाले कनेक्शन से अटका हुआ है, तो हम इसको यहाँ पे रख के रिपेयर कर सकते हैं, जो भी काम है वो हम इसमें कर सकते हैं। तो इसमें दो सेक्शन मेन हैं, ये इसका प्राइमरी सर्किट है, ये वाला, ये सारा जो ये यहाँ तक आपको नज़र आ रहा है ये प्राइमरी सर्किट है, या हाई वोल्टेज सर्किट कहलाता है, और ये जो है ये इसका लो वोल्टेज सर्किट या जो सेकेंडरी सर्किट है वो है। तो यहाँ पे जो हमारी आउटपुट की सप्लाइयाँ हैं वो चल रही होती हैं, जो 5 वोल्ट और 12 वोल्ट ये इसके कनेक्शंस हैं, और ये कैपेसिटर्स या जो भी सिलसिला है वो यहाँ पे लगा हुआ है इसका 5 वोल्ट और 12 वोल्ट का, तो वो वहाँ से आउट होते हैं। और बाकी का जो ये स्विचिंग आईसी है वो ये लगा हुआ है, ये स्विचिंग करता है, यहाँ इन ट्रांजिस्टरों को स्विच करता है, फिर जो है तो हमारी सप्लाइयाँ जारी हो जाती हैं और चलती हैं। तो मैं आपको वो स्टैंड बाई वाली सप्लाई दिखाता हूँ कि किस तरीके पे वो स्टैंड बाई की सप्लाई फंक्शन करती है। तो इसको थोड़ा सा यूं करके रखते हैं और फिर इसको मैं पावर देता हूँ, और उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ कि स्टैंड बाई की सप्लाई किस तरीके पर चेक करते हैं। तो ये है पावर, ठीक है जी, 220 वोल्ट है, ख्याल रखेंगे और आराम से इसको लगाएँगे, हाथ नहीं लगाएँगे यहाँ पर क्योंकि 220 वोल्ट लाइन है। और यहाँ हमारा मीटर डीसी वोल्टेज करके, वोल्टेज डीसी पे रख के, तो उसके बाद फिर इसके प्रॉब्स जो हैं वो हम इस कनेक्टर को लेके, जो मेन वाला कनेक्टर है, इसमें ये ग्रीन तार और ग्राउंड के साथ हम वोल्टेज चेक करेंगे। ये 5 वोल्ट होने चाहिए, तो ग्रीन के साथ ग्रीन और ब्लैक ये रख के हम चेक करते हैं। वो देखें, आपको 4.96 वोल्ट मीटर पर मिल रहे हैं, 4.96 वोल्ट यानी 5 वोल्ट के करीब मिल रहा है। जब हम इसको ग्राउंड करते हैं तो इस बोर्ड को ऑन हो जाना चाहिए, लेकिन ये पावर सप्लाई में फॉल्ट है जिसकी वजह से ये ऑन नहीं होता। मैं इसको रिपेयर करने का तरीका आपको सिखाऊंगा किस तरीके से इसको रिपेयर करते हैं, और इसका रिपेयर करने का मुख्तलिफ तरीका है क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के फॉल्ट इसमें आते हैं, तो एक नमूने का फॉल्ट नहीं होता बल्कि मुख्तलिफ मॉडल के फॉल्ट इसमें आते हैं। तो जिस मॉडल का भी फॉल्ट हो तो उसी तरीके से हम इसको फिर रिपेयर करते हैं। तो वो रिपेयर करने का तरीका मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा प्यारे दोस्तों। तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और मैं ऐसी बहुत सारी अच्छी वीडियोस आपकी खिदमत में लाता रहूँगा जो कि आपकी नॉलेज में बहुत सारा इजाफा करेंगे, और उम्मीद है कि इससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।